वाराणसी में अपना दल एस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल के द्वारा 12 अप्रैल शुक्रवार को मड़ा रोहनिया स्थित अभिमन्यु सिंह के आवास पर अभिमन्यु सिंह के साथ 800 से ज्यादा लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई। अभिमन्यु सिंह पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने के दौरान कहा कि मैं अपना दल एस पार्टी की अच्छाइयों को देख कर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं और पार्टी के प्रति मैं हमेशा समर्पित रहूंगा। जहां भी पार्टी को मेरी जरूरत होगी, मैं अपने सहयोगियों संग पार्टी की सेवा में तत्पर रहूंगा। सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल, रोहनिया विधायक सुनील पटेल, वाराणसी जिलाध्यक्ष नागेंद्र पटेल सहित पार्टी के पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। माननीय बहन अनुप्रिया पटेल जी के, माननीय प्रदेश जी के आशीष स्नेह के अनुसार मैं अपना दल ज्वाइन किया हूं। पार्टी के नीति का जो भी कार्यक्रम होगा उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इनकी कौन सी नीतियाँ आपको अच्छी लगी कि जो आपने छोड़ा समाजवादी पार्टी और अपना दल पार्टी को ज्वाइन? इनकी सारी नीतियाँ अच्छी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण का कार्य पार्टी कर रही है। इसी के साथ आगे कार्य करेगी। इसके साथ हम लोग आगे। कुछ दिन पहले अभिमन्यु जी हम लोगों के कार्यालय आए हुए थे और इन्होंने बहन प्रिया पटेल जी के रीतियों नीतियों को सुनने के बाद और उनके बारे में पूरा चर्चा पर चर्चा किया कि आपकी पार्टी क्या कैसे कर रही है। तो इन्होंने कहा कि भैया, हम बहन प्रिया पटेल जी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ये हमारे रोहनिया विधानसभा के अंतर्गत मड़ाव ग्राम सभा के मूल निवासी हैं अभिमन्यु सिंह जी। इन्होंने बहन प्रिया पटेल जी की रीतियों नीतियों को देखते हुए हम लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला के चलने के काम करने का बीड़ा उठाया है और यह मैं आशा उम्मीद रखता हूं कि अभिमन्यु सिंह जी का पूरा सहयोग हमारी पार्टी के साथ रहेगा। जहां भी हम सबके नेता बहन प्रिया पटेल जी का मार्गदर्शन होगा, इसमें पूरी जोर जोर शोर से ये लग के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।